उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के त्रिकोणी बाग पुलिस चौकी के पीछे आज दिन दहाड़े एक छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया गया। स्कूली छात्रा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौट रही थी, तभी सुनसान स्थान पर पास से गुजर रहे लाल रंग के रिक्शा ने रोक अपहरण करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर अपहरणकर्ताओं के हौसले पस्त हो गए और वो छात्रा को वहीं छोड़ भागने में सफल रहे। छात्रा ने किसी तरह वहां से भागकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस चौकी पर लिखित तहरीर दी। INA के लिए जनपद बहराइच से राहुल सोनी की रिपोर्ट। नाम आजम खान है। हमारी भतीजी आज स्कूल से जब निकली तो चौकी तिकोनी बाग चौकी की पानियर मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती है और जब स्कूल से लौटी 12:05 पर छुट्टी हुई, स्कूल से आई और तिकोनी बाग चौकी के सामने लाल रंग का रिक्शा खड़ा था, उस पर बैठ गई आयशा मस्जिद के पास अपने घर जाने के लिए। उस रिक्शे में दो लड़के बैठे थे, उन्होंने कहा कि आगे एक लड़के को उतार के फिर वापस टर्न करके तुमको छोड़। लड़की को मारा है, लड़की को दोनों हाथों से लपड़ मारा है और हाथ पे पंजों के निशान है। नहीं, बदतमीजी नहीं हुई है, बस मारा पीटा है उसको। प्रयास कर रहे थे जिसमें वो असफल रहे, लड़की छुड़ा के भाग आई, रोड पे आ गई। उन लोगों ने देखा लड़की रोड पे पहुंच गई तो वो लोग पीछे से वापस टिकोरा मोड़ चौकी पे आए हुए हैं। FIR दिया है, उचित कार्रवाई की उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की। एक सुनसान एरिया में ले गए, रिक्शा खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने ज़बरदस्ती करना गया लेकिन वो छुड़ा के किसी तरीके से वो भागी, रोड पे आई। रोड पे जब आ गई तो वो लोग दूर से देख के वापस दौड़ गए। फिर जब रोड पे आई तो रोड पे वो टिकोरा मोड़ चौकी की तरफ दौड़ के आई तो टिकोरा मोड़ चौकी के पास बैठी, यहीं से उसने फिर रिक्शा किया, फिर अपने पापा की दुकान पहुँच गई। अभी तो हम लोग टिकोरा मोड़ चौकी इंचार्ज के पास में एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई करने की उन्होंने दिया है कि कार्रवाई करेंगे लड़की को। हम बहुत मेरा नाम रिफा है, हम पानीर में पढ़ते हैं। हम सुबह 2:00 बजे 8:00 बजे स्कूल गए थे, उसके बाद छुट्टी में मुझे रिक्शा किया घर जाने के लिए। आयशा मंदिर के पास मेरा घर है तो एक रिक्शे में दो लड़के थे, रेड कलर का रिक्शा था तो वो हमको बोले कि आगे इधर से रास्ते से लेके जाएंगे, एक और सवारी को छोड़ रहा है। मैंने बोला हमको घर जाना लेकिन वो घर नहीं लेके गए। फिर एक नदी थी, एक पेड़ था, वहाँ पे वो हमको ले जाके बहुत मारा और उन्होंने बैग वैग मेरा खींचा। फिर जब किसी तरह निकल के आए वहाँ से तो थोड़ा आगे तिकोनी मोड़ के आगे तक किसी तरह अकेले गए। उसके बाद वहाँ से जगह सजीव का रिक्शा करके अपने अब्बू की दुकान तक पहुँच गए। मैं पुलिस चौकी में, तिकोनी बाग पुलिस चौकी में।